हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। दो संख्याएं हमारी पता है, उनका HCF और LCM। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दोनों संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, यानी अगर हम पहले क्वेश्चन को लें तो 26 और 91 को पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2, 13, फिर 13 अपने आप में अभाज्य है, 13 × 13। तो 26 जो पहला हो गया, 26 = क्या हो गया, 2 × 13। और 91 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 91 को लिखेंगे तो देखो 3 से ये जा रहा है, 3 × 3 = 9, 3 से नहीं जा रहा है, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे ही देखना है, फिर 13 से, फिर 14, 15, 16, 17, फिर 19, फिर 23, तो 91 ये है। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 × 7 और 7 × 21, ये 91 हमारा क्या हो गया, 7 × 13। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए, उसके बाद देखते हैं कौन सी अभाज्य संख्या कॉमन है, दोनों में है। तो यहाँ पे देखिए 13 जो है दोनों में है। HCF निकालने के लिए ये देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में है, उसको एक बार लिख लेंगे, यानी 13 एक बार है, यानी इसका घात 1 यहाँ पे लिख लेंगे। तो सीधा सीधा और कोई कॉमन दोनों में है नहीं, तो ये 13 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, LCM निकालने के लिए जो कॉमन होता है, जो दोनों में होता है, उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो कॉमन 13 है और सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा 13 हो गया, और बाकी बचे वाले को सबको ले लेते हैं, यहां 2 है और यहां 7 है, तो क्या आ गया, 7 × 14, 13 × 14, 182। अब हम लोगों को ये भी बोला है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो हम लोग यहाँ HCF × LCM करें तो देखें क्या आता है, HCF × LCM। HCF कितना हम लोगों का आया, 13। LCM कितना आया, 182 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए, यानी 26 × 2 ये क्या हो जाएगा, 26 × 91। 91 को आप 26 से गुणा करिए, 6 × 6 = 54, ये 2 है, 2 × 2 दोनों 18, 6 × 6 = 23, 66 आ गया हमारा, 23, 66। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, HCF × LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ये दोनों क्या है, बराबर है। फिर इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, 510 और 92। पांच सौ दस और 92 का
HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 और 92 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 510 को पहले देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5, 11 हो गया ये, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 3, 8 24 और 3 पचे 15, ये 3 से 3 दूनी 6 नहीं जा रहे, 5 से 5 1 5, 5 7 35 और 17 तो अभाज्य है ही। तो 510 को हम लोगों ने क्या लिख लिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 510 बराबर क्या हो गया, 2 × 3 × 5 × 17 और क्या है दूसरा, 92 को भी देख लेते हैं, 2 से डिवाइड करिए, 2 चौका 2 से 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 6 23, अभाज्य है। तो 92 को हम लोग लिख दिए, ये 92 हो गया 2 × 2 × 23। अब इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, तो ये तो पावर के रूप में तो वही रहेगा, 2 के पावर 1 3 के पावर 1, 2 × 3 × 5 × 17। इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 के पावर 2 × 23। अब हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, HCF आप 510 एंड 92। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या दोनों में है, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, उसकी सबसे छोटी घात, यानी ये सीधा सीधा 2 उतर जाएगा आपका, तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। LCM LCM के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में होता है, जो अभाज्य संख्या दोनों में होती है, सबसे पहले उस पर अटैक करते हैं, उसकी सबसे बड़ी घात यानी 2 के पावर 2 आ गया, यहाँ 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबसे बड़ी घात यहाँ पे है, 2 के घात 2, और बाकी बचे को ऐसे ही ले लेते हैं सबको, जो कॉमन नहीं है सारे इससे और सारे इससे, ये हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 8 × 2 × 4 × 12 × 17 × 85 × 23, 12 × 85 × 23, आप इसको कर लीजिए, 12 × 85, 5 × 10 = 0, 8 × 5 = 5, 1 × 6 = 8, 8 × 16 = 6, 8 × 1 = 8, 9, 0 × 6 = 12, 8 × 9 = 10, 1020, इसको अब क्या करना है, 23 है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं 0 को, तो 3 × 6 = 3, 3 × 0 = 3, 1 × 3 = 2, 2 × 4 = 2, 6 × 4 = 3, 2 + 0 आ गया, 1 क्या आ गया, 23460। अब एक चीज और हमको चेक करना है कि LCM into HCF देखना है, तो HCF into LCM, HCF कितना आया है आपका, 2 आया है, और ये कितना आया है, 23460, तो इसको करेंगे तो 2 × 2 = 12, 2 × 8 = 2, 8 × 9 = 2, 3 × 6 = 2, 4, और संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये क्या हो जाएगा, 510 × 92, 510 को आप 92 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 510 को 92, फिर 0 को छोड़ देते हैं, बाद में उतार लेंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 9 × 9, 9 × 5 = 45, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 6, 4 × 6 = 9, 2 = 0, ये क्या आ गया, 4 × 6 = 9, 2 = 0। तो एक चीज हमारा ये भी वेरीफाई हो गया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर है, दूसरा पार्ट हो गया। हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, 336 और 54,
क्या करेंगे, 336 का पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 336 को आप डिवाइड करिए दो से, तो दो एकम दो, यहाँ एक फिर 13 हो गया, तो 2 6 12 और एक बचा 2 8 16, फिर दो से 2 8 16 2 4 8, फिर 2 से 2 4 8 2 2 4, फिर 2 से 2 2 4, फिर 3 से 3 7 21, यानी 336 हमारा जो हो गया। आप क्या लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और इसको अगर आप घात के रूप में लेते हैं तो 2 2 4 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 की घात 4 हो गया × 3 × 7। अब फिर 54 का हम लोग कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो 54 को आप करिए, तो 2 × 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9, तो 54 को क्या लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, 2 × 3 × 3 × 3, और इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो ये 2 के पावर 1 × 3 के पावर 3 ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, HCF देखते हैं, HCF आप 3 3 6 and 5 4, HCF के लिए क्या करते हैं, जो वो अभाज्य संख्या जो दोनों में हो, तो अभाज्य संख्या दोनों में कौन है, 2 भी है और 3 भी है, तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं, 2 उसकी सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 1, अब इसका काम खत्म हो गया। फिर क्या है, 3 दोनों में है और 3 की दोनों में सबसे छोटी घात क्या है, 3 की घात 1, तो ये आपका आ गया HCF। LCM LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 क्या है दोनों में कॉमन है और 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 4, ये हो गया काम, 2 का काम खत्म। फिर 3 कॉमन है, 3 की सबसे बड़ी घात कितना है, 3, ये हो गया, और जो बचे हैं उनको भी उतार लेते हैं, तो ये हो गया 2 × 4 × 8 × 16 × 3 3 9 3 27 × 7, 16 × 7 112 LCM। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि HCF और LCM का गुणनफल क्या आता है, HCF आपका कितना आया है 6 और LCM आया है 3024, इसको आप गुणा करिए, 3024 को 6 से 6 से 24 के 4 8 × 2 14 12 2 14 के 4 8 × 1 और 1 6 3 18 18 144 18 144, और संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं, जिन संख्याओं का दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकाला उनका गुणनफल हम लोग देखते हैं वो कितना है, 3 3 6 × 5 4, क्योंकि हमको ये भी चेक करना है कि HCF इंटू LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 6 24 के 4 8 × 2 4 3 12 2 14 के 4 8 × 1 4 3 12 1 13, 5 6 30 8 3 5 15 3 18 8 5 15 1 16 4 4 1 8 1 18 144, ये आ गया 18 144।